मेरे पास अभी दो ग्लासेस हैं, जैसा कि आप इस पहले ग्लास में देख रहे हैं मैंने कुछ अंक लिखे हैं शून्य से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक, शून्य से लेकर 9 तक के अंक हमने इस ग्लास में लिखे हैं। इसके आगे 10 नहीं है, 10 के लिए हमारे पास ये अगला ग्लास है, इसमें हमने 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से 90 तक के संख्याओं को इस ग्लास में लिखा है। इसी प्रकार से सैकड़ा के लिए हमारे पास ये ग्लास है जिसमें हमने 100, 200, 300, 400 करके इस प्रकार से बाकी ग्लासेस को भी यहाँ लिखा है, और इसी प्रकार से हमारे पास ये हज़ार का ग्लास है, 10,000 का भी ग्लास है और लाख का भी ग्लास है। यदि हम चाहें तो आवश्यकता अनुसार इसे और आगे तक बढ़ा सकते हैं। आइए देखें कि कैसे इस छोटी सी टीचिंग एड से हम कई प्रकार के खेल खेल सकते हैं। सबसे पहले टीचर अपने विद्यार्थियों को कोई भी संख्या बनाने को देगा तो विद्यार्थी इस ग्लास को घुमा घुमाकर प्रत्येक प्लेस वैल्यू को घुमा घुमाकर संख्या बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक संख्या बनानी है 5,492, 5,492 उसके लिए इकाई स्थान पर 2, दहाई स्थान पर 9, सैकड़ा स्थान पर है 4 और हजार वाले स्थान पर आएगा 5। तो इस प्रकार से हमने ग्लासेस को घुमाकर संख्या बनाई है 5,492। इस प्रकार से बहुत कम समय में बच्चे इन ग्लासेस को अलग अलग दिशाओं में घुमाकर जो भी संख्या अध्यापक द्वारा उन्हें दी जाएगी उसे बना सकते हैं। ये है एक टॉपिक जो हम इस ग्लासेस से कर सकते हैं। इसके बाद यदि इसी प्रकार से सभी बच्चों से एक एक संख्या बनवाई जाए तो बच्चे उन बच्चों से फिर हम यह भी पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से किसने बड़ी संख्या बनाई है और किसने छोटी संख्या बनाई है। यदि बच्चों ने अपने आप से संख्या बनाई है तो बड़ी और छोटी के हिसाब से उन्हें सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, इस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक्स इस छोटे से क्लास की टीचिंग एड से हम बच्चों को करवा सकते हैं। तो देखा आपने, ये बहुत ही मामूली सी छोटी सी टीचिंग एड है और इसके मदद से गणित के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम बच्चों को खेल खेल में सिखा सकते हैं।